ये दिमाग से भी अंधा है, आंखों आंखों से अंधा नहीं है। जो इंसान से इंसान का सम्मान नहीं करता वो शंकराचार्य बने हुए हैं। कटुआ, मुल्ला, भड़ुआ, ऐसे ऐसे शब्दों से इनके एमपी जब बोलते हो तो इनके बाबाओं की तो रास लीला अलग ही है। हर 10 कदम के ऊपर मंदिर, हर 10 कदम पे एक पाखंडी, हर 10 कदम पे एक जेब कतरा इस देश के अंदर बैठा रखे है। ये तो जिंदे जी मुर्दा है, और ऐसे मुर्दों के लिए जेल ही है। जो अपना घर बार अपनी बहन बेटी को छोड़ करके वहां जाएंगे वो कोई संस्कारी नहीं है। सारे के सारे जो राम के नाम लेने वाले इस देश के अंदर गंदगी फैला रहे। संविधान की बात करो, स्कूल की बात करो, कॉलेज की बात करो, ये बेशरम। जय श्री राम क्या ये मंथ है, बाबा है, वो इस तरह की जो बातें कर रहे हैं वो बीजेपी के एजेंडे पे कर रहे हैं। और ऐसी बातें करने वालों के लिए, जो चमारों को या दलितों को ऐसी ऐसी भाषा का अगर कोई यूज करता है तो इससे साफ पता होता है कि वह मानसिक रूप से उनका दिवालिया होने वाला है। और ये बीजेपी की सेप है, ये नरेंद्र मोदी की सेप है। ऐसे बाबा कम से कम भी ज्यादा नहीं तो 25 से 30 हैं जो लगातार ऐसी वाहियात बातें जो करते रहते हैं, तो उसी की श्रेणी में इनको हम लेते हैं। और तमाम लोग इस देश के जो अच्छे एक्टिविस्ट हैं वो इसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कराएंगे, और निश्चिंत है जेल ये जाएगा। आप देख लेना, हम भी यही हैं, आप भी यही हो। लेकिन ये आंखों का अंधा है, दिमाग से काम नहीं करता है क्या ये? दिमाग से भी अंधा है, आंखों आंखों से अंधा नहीं है। ऐसे लोगों को इस देश की धरती पे रहने का अधिकार ही नहीं है। जो इंसान से इंसान का सम्मान नहीं करता वो शंकराचार्य बने हुए हैं। ऐसे शंकराचार्यों को तुरंत इस देश के लोग पत्थरों से मारे, उससे पहले है कि इनको जेल के अंदर डाल दिया जाए। ये आक्रोश बढ़ता रहेगा। एक तरफ बीजेपी नरेंद्र मोदी इस भारत देश की सरकार कह रही है हम राम मंदिर पे गली गली जाकर के उनको राम मंदिर भेजने का संदेशा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ चमार चूड़े इनकी भाषा देखी नहीं है पार्लियामेंट के अंदर क्या कहा? कटुआ, मुल्ला, भड़ुआ, ऐसे ऐसे शब्दों से इनके एमपी जब बोलते हो तो इनके बाबाओं की तो रास लीला अलग ही है। तो ये तो इस देश के लोगों को समझना चाहिए। और इस देश के अंदर किसी को भी ना राम मंदिर जाने की जरूरत है, ना किसी और मंदिरों में जाने की जरूरत है। और जब ये संघी आए आपके घर द्वार पे, संविधान की कॉपी रखें, रामास्वामी पेरियार की 20-22 लाइनें तैयार रखें, और उनको बोले हम राम मंदिर जाने के लिए तैयार हैं, एक बार आप 5 बार रामास्वामी पेरियार की ये बातें सुन के हमने बताए, तब हम आपको पता चलेगा कि आपके राम में, आपके कार्यकल्पों में इनमें कितनी ताकत है। लेकिन जो राम भद्राचार्य है ये बुजुर्ग है, वो धर्म की बात करते हैं, संत की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि भाषा की ये ना संत है और रहे बुजुर्ग की बात, ये बहुत बदमाश लोग हैं। इस देश के भोले भाले लोगों का खून चूसने वाले लोग हैं ये। आप अगर कहीं गलत फहमी का ये शिकार हो रहे हो कि ये बाबा हैं, मंत हैं, कुछ नहीं। इस देश के अंदर अगर शिक्षा का बेड़ा गर्क हुआ है, अगर नौकरियों का बेड़ा गर्क हुआ है, इस देश के अंदर अंधविश्वास और पाखंडवाद अगर हुआ है, तो ऐसे बाबाओं ने ही जो कहा कि अंधा है, बहुत बड़ा महंत है, हमेशा सत्य बोलता है। अरे ऐसा सत्य बोलने वाले का ये देख लो अब क्या हो रहा है। ये इस देश के अंदर लाखों करोड़ों ऐसे बाबा हैं जो आए दिन बहन बेटियों के साथ शोषण करते हैं, और इस देश के अंदर उन्हीं का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का धन को अपनी तिजोरियों में भरते हैं, कथा बांसते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं धार्मिक। ऐसे ज्ञान की भारत देश में किसी को जरूरत नहीं है। ज्ञान देने वालों का ये नाम ही नहीं जानते इस देश के अंदर। साहू जी महाराज, रामास्वामी पेरियार, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, रामास्वामी पेरियार, मतलब तमाम ऐसे लोग हैं। अगर आप उनको पढ़ो, उनको जानो, तो वो है संस्कार की बातें। उन्होंने इस देश के अंदर सफाई से लेके, शिक्षा से लेके, और अपने आप किस तरीके से अपना जीवन यापन करना चाहिए, वो सारी चीजें हैं। ये तो इस देश के अंदर
हर 10 कदम के ऊपर मंदिर, हर 10 कदम पे एक पाखंडी, हर 10 कदम पे एक जेब कतरा इस देश के अंदर बैठा रखे हैं। तो ये बात तो समझना पड़ेगा। दलितों को, पिछड़ों को, जितने भी आप इनके मंदिरों की तरफ जाओगे उतने पार्लियामेंट से दूर हो जाओगे, उतने दिल्ली यूनिवर्सिटियों से दूर हो जाओगे, उतने सरकारी स्कूल देश के अंदर बंद हो जाएंगे। आप राम मंदिर की तरफ जाओ और उधर आपका जो है स्कूल बंद, प्राइवेट स्कूल खुले। लेकिन कथा में ये जातिवादी बात करता है, जहर कहां से भरा गया इनके अंदर जातियों को लेकर? बुजुर्ग हैं, कुछ दिनों बाद में स्वर्गवासी हो जाएंगे ये, इनको ऐसा काम करना चाहिए क्या? वो तो जिंदे जी ही स्वर्गवासी है। अगर आप लोगों का कोई चश्मा अलग चढ़ा हुआ तो अलग बात है, उसकी बातों से जाहिर नहीं होता वो किस तरीके की गंदगी फैला रहा है देश के अंदर है। ये तो जिंदे जी मुर्दा है और ऐसे मुर्दों के लिए जेल ही है। जेल में इसको जल्दी से जल्दी डालेंगे, बहुत लोग लगे हुए हैं। और जितना जल्दी हो सके, हमने फिर कहा ओबीसी के लोगों और खास करके दलितों को भी बता दूं, जितने दलित पढ़े लिखे अपने आप में एक्टिविस्ट बता रहे हैं, मोस्टली आरएसएस ज्वाइन कर रखी है उन्होंने। बहुत बड़े बड़े जो अपने आप को कहते थे जय भीम, आज उनको जाकर के देख लो कहां बैठे हैं। बोला जी 15 लाख रुपए भेजे हैं विधायक साहब ने। भैया हमारी 15 लाख की रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमारी तो थी 500 गज जगह की। मतलब जगह ना दे करके विधायक साहब भी इतने चतुर चालाक हैं कि इनके 10-5 लाख रुपए दे दो ताकि ये हमारे से छटके ना। तो ये बात जो अपने आप को दलितों के अच्छे सामाजिक चिंतक हैं, वो अपने इर्द गिर्द देख ले कि कितने दलित छोड़ छोड़ के ना आरएसएस ज्वाइन कर रखी है, कितने दलितों के बच्चे जो है ना जय श्री राम करते फिर रहे हैं, ओबीसी के लोग कर रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन हम उनको भी कह रहे हैं बिट्टू बजरंगी ना बनो, मोनू मानेसर ना बने। अब आज देख लो बिट्टू बजरंगी का भाई का क्या हाल हुआ, वो कह रहे जी किसी ने सोल्यूशन दे दिया, किसी ने पेट्रोल डाल दिया, मार दिया। अरे सोल्यूशन पिया करता नशेड़ी था वो, जल के मर गया और मुख्यमंत्री तक उसके घर जा रहे हैं। तो इस देश के अंदर सोच लो, तुम्हारे को मरवाने का, तुम्हारे को लूटने का ये हथकंडा बीजेपी आरएसएस में है और ऐसे बाबा आपको लगातार इस देश के अंदर लूटने का काम करेंगे। रामधन जी बड़ा सवाल ये है कि 6743 जातियां हैं जो रिकॉर्ड में हैं, सिर्फ चमारों को निशाना क्यों बना रहे हैं ऐसे बाबा? ये चमारों को निशाना नहीं बना रहे, ये वंचितों को, शोषितों को, पीड़ितों को, जो अज्ञानी आदमी है जिसको ज्ञान नहीं है, इनकी दूरदृष्टि बहुत तेज है, ये इनको इसका बात का पता होता है कि मैं अज्ञानी नहीं हूं, मैंने अपने भीतर का जो अज्ञान था उसको मार दिया, कूट दिया, दफन कर दिया है। अब ये वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो अज्ञानी, जो ज्ञानी नहीं है। अब इस तरह के लोगों को समझना चाहिए कि इनके कार्यकलापों से, इनके भंडारों से होते इनके जगराते, उनसे दूर होना चाहिए। जब भी जाकर के इस देश के अंदर राम मंदिर मत जाना, जिसका जिसका बच्चा राम मंदिर जाएगा वो ना प्लस टू पास कर पाएगा और किसी बनिए के, किसी पंडित का घर पर जाके वो दिहाड़ी मजदूरी करेगा। और नोट कर लियो, दबा के इस देश के अंदर बचा रहे हैं वो, कोई धर्म ना बच रहा। हाँ। जिसकी आस्था है ना वो अपने घर के अंदर दिया बाती भी लगाता है और जिसकी आस्था वो नमाज भी पढ़ता है, वो गुरु ग्रंथ साहब के गुरुद्वारे भी जाता है। 8 तारीख को दीपावली मनेगी पूरे देश और दुनिया में, 100 देशों में मनाया जाएगा राम उत्सव। अंधविश्वासी पाखंडी जो लोग हैं वो अपना घर बार छोड़ के ना पागल कुत्तों की तरह, पागल भेड़ियों की तरह, निकम्मे लोग जो अपना घर बार अपनी बहन बेटी को छोड़ करके वहां जाएंगे, वो कोई संस्कारी नहीं है, वो सब के सब आतंकवादी टाइप के लोग हैं। आप रामलला के विरोधी हो? हम कोई विरोधी नहीं है। हाँ। क्या लेना देना हमने राम से? हमने कोई लेना देना नहीं। इस देश के अंदर, इस देश के अंदर संविधान की बात क्यों नहीं करते आप? इस देश के अंदर सब कुछ मिला तो संविधान से है ना। इस देश के अंदर गंदगी फैलाने वाले लोग बहुत है, सारे के सारे जो राम के नाम लेने वाले इस देश के अंदर गंदगी फैला रहे। संविधान की बात करो, स्कूल की बात करो, कॉलेज की बात करो, ये बेशरम जय श्री राम, जय श्री राम क्या ये? अरे संविधान तो अब आया है, राम पहले से है, कहीं ना पहले से। ये सब के सब जेब कतरे हैं और इन जेब कतरों से जितना सावधान रहोगे उतना बढ़िया है।